जय हिंद। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2017 में, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या पूछा गया था। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात के राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बुलेट ट्रेन समझौता किस देश के साथ किया है। तो भारत ने बुलेट ट्रेन समझौता है जो जापान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 को हुआ था। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ये क्वेश्चन परसों वाले पेपर में पूछा गया था, 6 तारीख वाले पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप जितने में क्वेश्चन आप लोग को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहाँ से शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नई दिल्ली से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए। तो महात्मा गांधी भारत 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय था सी राम गोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में क्या भेजा। तो भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में गेहूं भेजा था। एक क्वेश्चन मैथ का आया था कि साधारण ब्याज 1400 दिया और चक्रवृद्धि ब्याज 1470 रुपये दिया और समय 2 साल हो तो मूलधन निकालो। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहाँ से शुरू हुई। तो नई दिल्ली से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे। तो 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट को देखते हैं, भारत के पहला वायसराय कौन था। सी राम गोपालाचारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में क्या भेजा। तो भारत ने ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में गेहूँ भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन, साधारण ब्याज 1400 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 1470 रुपये दिया है, तो समय 2 साल हो तो मूलधन निकालो। ये क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।